से इस वक्त की बड़ी खबर। तो अलीगढ़ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जाबाज दरोगा को उत्तर प्रदेश सरकार करेगी पुरस्कृत। इसके होम अवनीश अवस्थी ने की है घोषणा। आशीष कुमार को 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर दरोगा आशीष कुमार को पुरस्कृत किया जाएगा। जाबाज दरोगा को उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कृत करेगी। आपको बता दें कि एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने घोषणा की है। बता दें कि बीते दिन दरोगा आशीष कुमार ने एक बच्चे को गंगे नहर से बचाया था, जिसके बाद उन पर 25,000 का उनको इनाम घोषित किया गया था। वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इनाम की राशि को बढ़ाकर जाबाज दरोगा को 50,000 रुपए इनाम स्वरूप देने की घोषणा की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको अलीगढ़ से जुड़ी बता रहे हैं, जहां आशीष कुमार को मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, पुलिस की एक जाबाज तस्वीर बीते दिनों देखने को मिली थी, जहां एक दरोगा ने एक बच्चे को गंग नहर में डूबने से बचाया था। ऐसे में उन पर इनाम की घोषणा की गई थी, जिसमें उनको अब 50,000 रुपए इनाम दिया जा रहा है। और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अलीगढ़ जिले में तैनात आशीष कुमार के ऊपर 50,000 का जो इनाम है उसको देने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। अभी कुछ ही देर पहले ट्विटर अकाउंट होम डिपार्टमेंट के ट्विटर अकाउंट द्वारा ये जानकारी एसीएस होम की तरफ से दी गई है कि जो नहर में कल युवक डूब गया था, उसको बचाने के चक्कर में दरोगा आशीष कुमार ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और चूंकि गंगा नहर थी और ये कहा जा रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा तेज था, लिहाजा जो आम जनमानस से जुड़े कई लोग थे, जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन एक खाकेदारी ने उस हिम्मत जुटाते हुए उस इंदिरा नहर में कूद कर उसकी जान बचाई थी। हालांकि 25,000 का जो इनाम है वो अलीगढ़ एसएसपी नथानी की तरफ से उनको दिया गया था, लेकिन आज ये घोषणा कर दी गई है कि 50,000 के इनाम के साथ साथ डीजीपी का कमेंडेशन डिस्क जो है वो एसआई आशीष कुमार को दिया जाएगा। हालांकि इस बात की चर्चा उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जा रही है, लेकिन ये अभी तक नहीं कहा गया है कि कब और कितने वक्त पर आशीष कुमार को अलीगढ़ से लखनऊ बुलाया जाएगा और डीजीपी उन्हें खुद अपने हाथों से कमेंडेशन डिस्क उन्हें देंगे और 50,000 का इनाम देंगे। फिलहाल ये घोषणा जरूर कर दी गई है, लेकिन इसी के साथ साथ ये कहा जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो खाकी की जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश पुलिस की जो छवि को नुकसान पहुंचाती थी, उसके बीच में एक राहत भरी सांस है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस इस दमखम के साथ सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग पर है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अलीगढ़ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दरोगा आशीष कुमार को उनकी जाबाजी के लिए 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें ये इनाम देने की घोषणा की है।